आज भी मधुबन में फैली तेरी खुशबू रूहानी है। यादें वो सुहानी है, आए याद पुरानी है। आज भी मधुबन में फैली तेरी खुशबू रूहानी है। बाबा का है प्यार वही, संगम का संसार वही। बस तेरी दरकार रही अब प्यारी ईशु दादी जी, प्यारी ईशु दादी जी। ओ धन संभालने को बाबा की भरोसेमंद। पूर्ण शांता दादी जी, शांति की देवी तुम। अंतर्मुखी रह कर भी दादी सदा सुखी रही तुम। तेरा वो हंसना बहलन दादियों संग प्यार करना, आंखें भर भर आती हमारी प्यारी ईशु दादी जी, प्यारी ईशु दादी जी। शुरू किया था तो सरदार बाबा ने अपने कमरे में बुलाकर मुझे कहा था, बच्चे तुम ज्ञानी आत्मा हो, तुम क्लास में नहीं जाओ। इसके बाद मैं अपनी तरफ से कभी क्लास में नहीं गया, सैनिक क्लास को दबा दिया। फिर भी हमारे सेंटर में मोहिनी बहन, जो आप जानते हैं के साथ वो रहती थी, कभी कभी वो किसी और शहर में गुरुवार के दिन बची। उस दिन मैं बैठ जाता था भोग लगाने और बनाता भी था, तो कभी कभी बाबा मुझे अव्यक्त वतन में जैसे भोग में दे रहा हूं बाबा को,
बना रहा हूँ, किस प्रकार का दृश्य दिखाई देता। फिर मैं विदेशों में भी जब जाता था तो इनको शायद किसी ने कह दिया था कि क्लास में जाता, तो वहां क्योंकि भाई बहन बहुत उत्सुक होते हैं तो वहां भी कभी कभी में बैठ जाता था। और एक आध सी बाबा मुझे हल्का सा दिखा देते थे या वहां की कोई बात बता देते थे विशेषता, वो मैं सुना देता। तो आज भी बहनों ने कहा, मैंने बोला मैं क्लास में नहीं जाता हूँ, उन्होंने बोला मिलजुल कर भोग लगाएंगे, आप बैठ जाओ। यीशु दादी से हमारा विवाह अति पुराना भी संबंध है, क्योंकि सरकार बाबा के दिनों में जिस कुर्सी पर बाबा बैठते थे और कुछ बातचीत करते थे या लिखवाते थे वहीं उनका टेबल होता। अनेक बातें साथ हमारी बैठती है और अंत के दिनों में जैसे कोई फ्रेंड होता है ना, गोप गोपियां सखा होता है, इसी दादी बहुत हल्की हो गई थी। उसी रूप से मैंने देखा वो हमारे साथ यहाँ भी छोटा मोटा पार्क में चर्चा हो जाती। आज बाबा ने मुझे एक बात ही दिखाई, यीशु दादी तो बैठी थी बच्चे की तरह, बाबा ने कहा ये बच्ची जो है बहुत कम आत्माएं हैं जो यज्ञ में ही रही। बाबा ने हर एक आत्मा को यज्ञ से बाहर अपना भाग्य बनाने के लिए सेवा करने के लिए भेजा। हमने खुद देखा कि कई बहने जब बाबा भेजते थे तो अति स्नेही होने के कारण जाना नहीं चाहती थी। संदेशी दादी का मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन जब वो चली जाती थी सेवा में लग जाती थी तो उनको खुशी होती थी। उनको खुशी होती थी कि बाबा ने हमें भेजा, पर किसी भी कारणवश क्योंकि उनका काम ऐसा था, यीशु बहन यज्ञ में रही और ये तो सब जानते हैं कि उनको यज्ञ की पहनी पहनी का कितना वैल्यू था। चिट्ठी लगी हुई उनकी जो रजाई है वो सबको प्रसिद्ध है और सेविंग करके वो बहुत खुश होती थी, तो बाबा ने उनको अपने पास ही रखा और समीपता का भी आप जानते हैं बहुत लाभ होता है। समीपता से ऑटोमेटिकली गुण धारण हो जाते हैं, इंसान का रंग लगता है, तो आत्मा को समानता या संपर्कता की आसानी रहती है। तो बाबा ने मुझे कहा यीशु दादी का हाथ देखो। कभी कभी मैं हाथ ऐसे शौकिया तौर पर देखता हूं तो बाबा ने दिखाया कि उसके हाथ में जो माउंट होते हैं उभरे हुए, तो सारे माउंट खुद उभरे हुए थे। ऐसा ही मैंने गुलजार दादी के हाथ में भी देखा है, यानी संपलता की निशानी होती है। आप भी कहीं यीशु दादी का हाथ का चित्र देखोगे आपको बात पता लगे। उसके अलावा यीशु दादी बहुत खुश थी और जैसे वो बाबा के साथ सरकार में
रहते थे एकदम कि बाबा की छत्र छाया है, मैं बस बाबा के साथ ही हूँ, साथ से साथ हूँ, आगे भी सरकार के साथ ही पार पर जाना है, वो दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने भोग ऑफर किया, बाबा ने यीशु दादी को खिलाया, यीशु दादी ने बाबा को खिलाया, सबको याद की। और बाबा की ये जो गहनी है कविता, बाबा ने तो उसको फल देंगे, तो हम जो फल देंगे तो मैं कविता को दे देंगे, और कोई फल है यहाँ फल आपने दिया है दूसरा दूसरा सबको याद दिया, इनके ऊपर साथ रहने वाले हैं, उनको भी बहुत ने याद दिया यीशु बहने का, तो सब ठीक है। अब मैं आपको एक घटना जो यीशु बहन की हुई थी वो मैं सुनाता हूँ, इसका इस भोग से कोई कनेक्शन नहीं है। ये शहर 1993 में ब्रह्मा कुमारी इसको सरकार ने करोड़ों रुपए का टैक्स लगा दिया, और हमारी दादी जी थोड़ा सा ख्याल चलता हूं, वैसे तो दादी जी को पता है कि भगवान की संस्था है, और मैं एक बार उनके कमरे में गया जहां यीशु मैन का टेबल था, दादी जी बैठे थे, तो मैंने पता नहीं बाबा ने मेरे से करवाया, बाबा ने मुझे टैक्स की ट्रेनिंग भी ज्ञान में आने के बाद दिलवाई थी, पास करवाया था इम्तिहान, तो मैं अपने आप को टैक्स का एक्सपर्ट गिनता हूँ दुनिया के अंदर। तो मुझे लगा टैक्स, वैसे तो हमारे रमेश भाई साहब के डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ वकील भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे मुंह से निकला कि दादी जी जब तक मैं हूं यज्ञ को एक पैसा भी टैक्स नहीं दे सकता, शायद बाबा ने निकलवाया। इसी दादी बोली एक बार फिर दादी को, दादी को थोड़ा ख्याल आता है, तो वो सीन मुझे याद आता है, दादी बोली दादी को फिर कहो, दादी को थोड़ा ख्याल आता, तो मैंने दोबारा दादी जी को कहा कि दादी जी जब तक मैं हूं यज्ञ को कोई टैक्स नहीं लग सकता। वो घटना मुझे याद आती है, और फिर ड्रामानुसार बाबा ने ऐसे ही किया, कई समय के बाद वो टैक्स छूट गया, जिससे छूटा तो मैंने सोचा दादी आकाशवाणी जी को बैठ सुनाता हूँ, तो उस समय दादी जी ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं खुशी खुशी गया कि दादी को बहुत खुशी होगी हर तार हो जाएंगे, तो वहां एक बहन नर्स रहती थी, बीत गई थी वो, तो मैंने कहा मैंने दादी से जल्दी से मिला, उसने कहा दादी सो रही, तो मैंने कहा दादी खुश होगी दादी को मिलना है, उसने कहा पर दादी सो रही, तो मैंने दादी के कमरे में जाके बहुत जोर का संकल्प किया, क्योंकि मुझे पता था दादी के ऊपर से बहुत हल्का होगा, दादी ऐसे करते था, फिर मैंने धीरे धीरे दादी को सुनाया, दादी इतनी खुश हुई गरी क्योंकि मन में संकल्प रहता था, उसने मेरा सिर अपने यहाँ रखा, बच्चे की तरह प्यार किया, वो चीज भी मुझे याद आता है। और यीशु बहन कैसे रोज अपने ऑफिस से रोज चल के गोलक भाई के ऑफिस में जो भी यज्ञ को मिलता था
मैंने देखा धीरे 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 जाती थी और यहाँ हमारा पानी का टैंक बनाया, वहां से जाकर के पैदल उसके ऑफिस में जाके जैसे उसकी एक पापा ने ड्यूटी लगाई हुई देना और घूमते वो ऐसी हमारी यीशु दादी की और बाबा की इनको जरूर आगे अच्छा ही पाठ किया है तो हम जानते हैं। आज हम सब इसको उनकी जो जो स्मृतियां हैं तो याद करें कि जैसे अन्य दादी हैं यीशु दादी भी एक दादी थी आदि रत्नों में थी और अपने तौर पर उसने जो बाबा ने पाठ किया बहुत ही कुशलता पूर्वक उसको बजाया और उनको देखकर हम यज्ञ वालों के अंदर भी इकोनॉमी का संस्कार नेचुरली जागता था क्योंकि वो खुद इकोनॉमी था। मीठी ईशु दादी जी यज्ञ की आदि रतन यज्ञ धन संभालने बाबा की भरोसे मंद मीठी ईशु दादी जी यज्ञ की आदि रतन यज्ञ धन संभालने बाबा की भरोसे मन सदा हमें मिलती रहे सदा हमें मिलती रहे यूं आपकी ये पालना दादी जी इस दुनिया से सदा ही उपराम रही दादी जी इस दुनिया से सदा ही उपराम रही कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना हमें सिखा रही तीव्र पुरुषार्थ करके तीव्र पुरुषार्थ करके दादी जी सबना है